कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ मंदिर। ये मेरी मंदिर की थाली, इस हाथ में झोला, इस हाथ में बाल्टी और मेरे पीछे है बॉक्सी। और लोग नहीं आए, वो पीछे रह गए, उन लोग को सामान लेना था ना। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं और थोड़े से यहाँ के व्यू दिखाते हैं। जो आरी उपारी डूबी जाली थोड़े दिनों के बाद, बनों में देखा पंचेश्वर में बांध। कोई जालो बाबर फिर कोई जालो हल्द्वानी, जला आँखों माँ सब भरी भैर पानी। यो गाने को पानी, यो नाला को पानी, हलो हम थे यो धारा को पानी, पानी 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 थमी जा भगने। पहुँच ही गए हम शिवालय, जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना पीपल का, बस यहाँ पे हमारा शिवालय है। तो पानी चढ़ाने वहाँ पे पॉसिबल हो पाए तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं। ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, बने रहे आगे को। दिन भर में क्या क्या होता है आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? लड़ाई मत कर देना यार तुम लोग, कोई है ही नहीं बचाने के लिए। बॉक्सी नहीं, बॉक्सी नहीं। ये रहा हमारा मंदिर। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर, और ये हम नदी में पहले पानी लेने और उस नदी की पूजा करने आए हैं। नदी इतनी बढ़ रखी है और चाची यहाँ पे नदी की पूजा कर रहे हैं। हम लोगों ने कर दी थी, और जो आज बारिश नहीं हुई तो इस वजह से हमको राहत मिल गई, नहीं तो छाता, पानी की बाल्टी, बर्तन, मतलब बहुत सारा सामान हो जाता है और सीढ़ी में भी पूरा फिसलन हो जाता है। तो बारिश नहीं हुई तो इस वजह से थोड़ा अच्छा हो गया। और ये कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ और रास्ता है हमारा। इन लोग के साथ बॉक्सी भी लगा है। बॉक्सी क्या कर रहा है? तो हम आज नदी मतलब पानी चढ़ाने इस वजह से आए हैं क्योंकि है आज काल चतुर्दशी, और जो साल में एक बार आती है तो बहुत बड़ा दिन होता है पानी चढ़ाने का। जैसे जो सावन में सोमवार का तो माना ही जाता है, लेकिन जो ये काल चतुर्दशी का पर्व होता है तो इसमें पानी चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और अंदर मतलब हम सुबह के टाइम पे आ जाते हैं, मतलब 6 बजे, तो भीड़ कम मिलती है। फिर भी इतनी भीड़ थी पहले से ही, तो मतलब जैसे जैसे देर होते रहेगी तो भीड़ बढ़ जाती है। तो हमको आराम से पूजा पाठ भी हो गई थी और सभी कुछ, लेकिन थोड़ी अगर देर हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है यहाँ पे चल पाना, पानी चढ़ा पाना ही। तो हमको तो आराम से हो गया था। तो बस लोग पूजा कर रहे हैं तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अब थोड़ा सा पाठ करने आ गए थे हम पंडित जी के पास पे, और सारे पाठ कर रहे हैं आज सूखे सूखे में। और यहाँ पे है शनि का मंदिर, जो काले कपड़े में खिचड़ी बांधते हैं ना, खिचड़ी मतलब चावल और मांस की दाल। पाठ करना भी ज़रूरी होता है। पाठ करने के बाद अब एक लास्ट परिक्रमा होती है मंदिर की, एक परिक्रमा करनी होती है। और बीच में भजन हो रहे थे तो पाठ करने के बाद भजन किए हम लोगों ने। तो अब बस घर जाने की बारी आई है। घर जाते जाते भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, तो हम बस यहाँ पर से अपना आशीर्वाद लेंगे और घर को ही चल देंगे। बस रास्ते में आते हुए पीछे से कुछ बोले थे, बैठे थे ना जो आते हैं मांगने वाले, तो मेरे समझ में ये नहीं आता ना, ये लोग इतने जवान हट्टे कट्टे होते हैं, बस बेचारे सांप को पकड़ रखा है डलिया में और उसके हिस्से का मांग रहे हैं, ये दो वो दो दान करो। तो थोड़ा सा बॉक्सी ने यहाँ पे परेशान कर दिया इन लोगों को। तो बस
क्या करें, उनकी भी अपनी रोजी रोटी है। मेरे हिसाब से ऐसे सांप पकड़ के दान मांगने से तो कुछ काम कर लेते, बेचारे को ऐसे बंदे बना रखा है। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है तो साक्षात हनुमान जी परेशान कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे थे बॉक्स तो पकड़ना है, थोड़ा सा परेशान मत काटने देना, कैसे जाएं मंदिर के अंदर। कोई लड़ाई होगी लास्ट में, खाली हमारे सुनसान होके घर आ रहे और यहाँ पे बन रहे हैं जलेबियाँ मस्त से। आज बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। बॉक्सी खूब भगाए बंदर, तो छोटा बच्चा भी मेहनत कर रहा यार। तो फिर हर मंदिर से तो आ गए हैं, पीछे से हमारे घर के ये रहे। और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मतलब एक टाइप का छोटा छोटा मेला लगा ही रहता है, कुछ बागेश्वर जाते हैं कुछ यहाँ आते हैं। तो फिर हर हम पूजा पाठ करके अच्छे से करके आ ही गए हैं, अब चलते हैं सीधे घर। पकड़ बॉक्स पकड़। ये समय है तो घर आ गई हूँ मैं, और टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो अपलोड नहीं कर रखी है, तो सबसे पहले वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी तो टाइटल ही नहीं खा, थोड़ी सी देर हो गई आज, और ये नम्मू अभी तक सोया पड़ा है यहाँ पे, तो इसको भी उठाती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पता नहीं क्या क्या बना शिवालय में, तो जितना भी बना काफ़ी है, फिर बाकी तो दिन भर का अपना वही काम रहता है। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।